हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। जैसा कि देख सकते हैं, हमारे पास मारुति कंपनी की इग्निस गाड़ी आई हुई है। फ्रेंड, ए आज एक्सीडेंटल होकर आई हुई है, तो हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से एक्सीडेंटल हुई है, एक्सीडेंटल से क्या क्या इसमें डैमेज हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, तो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। आगे से डैमेज है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, यहाँ पर देखिए बम्पर पर मार लगा है। देखिए ये नंबर प्लेट भी टूट गया है, ये बम्पर भी क्रैक हो गया। देखिए, तो ये तो बाहर का इफेक्ट है, ये बाहर का बम्पर देखिए यहाँ से टुकड़ा टूट के गिर गया है, ये नंबर प्लेट भी टूट गया है। तो ये तो ये है, इसके अलावा भी अब बम्पर खोल के हम ओपन करके देखते हैं कि अंदर रेडिएटर पे या क्रॉस मेंबर पे या कंडेंसर पे कुछ इफेक्ट हुआ है क्या। क्योंकि फ्रेंड क्या हुआ, गाड़ी खड़ा ही था, एक एफ टेम्पो वाला है, उसने रिवर्स में लिया तो ध्यान नहीं दिया, रिवर्स में लेते समय उसका पीछे का हिस्सा यहाँ पर लग गया साइड का, और लग के ये देखिए फाड़ दिया है, यहाँ पे एक टुकड़ा हो गया है, ये टुकड़ा भी गिर गया। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। तो इसका बम्पर ओपन कीजिए, तो हम इसका बम्पर निकाल रहे हैं, बम्पर निकाल कर उसका चेक करते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए ये कंडेंसर पूरा डैमेज हो चुका है, और इसका जो लाइन आता है वो भी फट चुका है, ये दो लाइन। तो ये कंडेंसर तो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, चलेगा नहीं। ठीक है फ्रेंड, तो कंडेंसर पे भी इफेक्ट हुआ है, ये देखिए जो मेंबर है इस पर भी इफेक्ट हुआ है, इसको भी सीधा करना पड़ेगा, यहाँ पर टच हो चुका है। तो अब हम रेडिएटर का कंडीशन देखते हैं, रेडिएटर कैसे, क्योंकि यहाँ पर इफेक्ट हुआ है तो रेडिएटर पर जरूर इफेक्ट हुआ रहेगा। तो देखिए फ्रेंड, ये रेडिएटर पे भी इफेक्ट हुआ है, क्योंकि इसका जो फैन है वो जाम घूम रहा है, पकड़ पकड़ कर घूम रहा है, ये देखिए अटक अटक के चल रहा है, ये देखिए। तो फ्रेंड हमें इसे पूरा ओपन करना पड़ेगा, ओपन करके कंडेंसर को बाहर निकाल के, इसका रेडिएटर भी मेरे को ऐसे लीक हो गया, देखिए पूरा कूलेंट गिर गया है, ये देखिए यहाँ कूलेंट। तो इसका रेडिएटर भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रेडिएटर, कंडेंसर, मेम्बर तो चलिए सीधा हो जाएगा, और बम्पर हम देखते हैं किस, हम इसका इंश्योरेंस क्लेम करने वाले हैं। अगर हमारे क्लेम में बम्पर पास कर देता है तो हम इसका बम्पर भी रिप्लेस कर देंगे, नहीं तो उसे रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। ये भी देख सकते हैं फ्रेंड, ये लाइट भी टूटा हुआ है, देखिए यहाँ से क्रैक हो चुका है, तो इसे भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रिप्लेस नहीं करेंगे तो बारिश के टाइम पर यहाँ से पानी जाने की वजह से पूरा अंदर पानी भर जाएगा। कूलेंट भी चेक कर लेते हैं, कूलेंट है क्या रेडिएटर में, तो देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी कूलेंट नहीं है, पूरा कूलेंट ड्रेन हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं, हम इसका रेडिएटर ओपन करने जा रहे हैं, रेडिएटर कंडेंसर बाहर लेंगे और चेक करेंगे कि कहां कहां डैमेज हुआ है, रेडिएटर में क्या क्या टूटा हुआ है कंडेंसर। तो हमने इसका कंडेंसर बाहर निकाल दिया है, अब रेडिएटर बाहर निकाल रहे हैं। रेडिएटर बाहर निकालने के लिए आपको नीचे का जो शो है, ये मेंबर बाहर निकालना पड़ेगा। ये मेंबर जैसे बाहर निकालेंगे आपका रेडिएटर यहाँ से बाहर आ जाएगा। इसका देखिए हमने ऊपर से हॉस निकाल दिया, टॉप से रेडिएटर के टॉप हॉस से, और नीचे का भी हॉस निकालेंगे, नीचे का हॉस निकाल के और फैन का सॉकेट निकाल के पूरा असेंबली बाहर ले लेंगे हम रेडिएटर, और चेक करेंगे कि फैन का शराउड और कैसा है, टूटा उटा तो नहीं है। रेडिएटर देख सकते हैं यहाँ से बेंड है, यहाँ मार लगा हुआ है, देख सकते फ्रेंड इसका फैन भी रेडिएटर में टच हो रहा है, ये देखिए। तो हम इसको ओपन करते हैं, फैन बाहर निकालते हैं और चेक करते हैं। फैन का शराउड जो है ये बाहर निकालते हैं और चेक करते हैं रेडिएटर में हमारा क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से हमारा कूलेंट लीक हुआ है। रेडिएटर का जो लाइन है यहाँ से, ये देखिए मार लगने के कारण यहाँ से डैमेज हो चुका है, लाइन कट हो गया है, तो इसके लिए यहाँ से पूरा कूलेंट चारों लाइन से लीकेज हो गया है। पीछे के साइड दिखेगा आपको, ये देखिए पूरा कूलेंट है। तो हमें रेडिएटर भी रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये चलेगा नहीं, पूरा बेंड हो चुका है रेडिएटर। एक कंडेंसर भी हमने आपको दिखाया था, देखिए यहाँ से लीकेज हो चुका है,
ये तीन लाइन से मार लगने का तीनों लाइन लीकेज हो चुका है एसी का, तो इसमें गैस भी बिल्कुल नहीं था, पूरा लीक हो चुका था। ठीक है, पूरा बेंड हो चुका है कंडेंसर, देखिए क्या हाल है इसका। यहाँ से पूरा फट चुका है और एक टुकड़ा यहाँ का गिर भी चुका है। अगर इतना खाली फटा रहता तो हम इसे रिपेयर करने की कोशिश करते थे, लेकिन एक टुकड़ा पूरा गिर चुका है तो ये बनेगा नहीं। इसके लिए हम इसे भी रिप्लेस करेंगे, नंबर प्लेट भी रिप्लेस करेंगे। ये वाला पट्टी जो है इसे हम सीधा करके ले लेंगे। नया सामान जो है अरेंज करते हैं, अरेंज करने के बाद फिर हम आपको एक एक स्टेप बाई स्टेप फिट करके दिखाएंगे। तो गाइज हमारा ये देखिए रेडिएटर अरेंज हो चुका है। ठीक है, तो अब इसमें हम फैन का सराउंड फिट करेंगे और फैन का सराउंड फिट करके फिर गाड़ी में फिट करना चालू करेंगे। ये देखिए एसी का कंडेंसर है, ये हमारा तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा रेडिएटर और कंडेंसर दोनों अवेलेबल हो चुका है। हमने गाड़ी में इसको फिट कर दिया है, देखिए रेडिएटर भी इधर लगा दिया है। ये हमारा नया कंडेंसर एसी कंडेंसर, ये हमारा नया हेडलाइट भी फिट हो चुका है देखिए। तो हम सारे चीज़ें इसमें फिट कर दिए हैं। देखिए हमने एक रेडिएटर भी हमारा फिट हो गया है, अंदर से देख सकते हैं। हमने इसमें पानी भी डाल दिया है, पानी डाल के फैन हम स्टार्ट करके थोड़ा फैन उन सब चेक करेंगे कि हमारा फैन कट ऑफ हो रहा है कि नहीं, टाइम पे चालू हो रहा है, टाइम पे कट ऑफ हो रहा है कि नहीं। क्योंकि फैन क्या हुआ था, ये गाड़ी के जो मालिक है उनका पानी लीक हो गया था। लीक होने के बाद भी इन्होंने गाड़ी कम से 2-4 किलोमीटर चलाया है, उसके लिए हम थोड़ा इसका जो भी है पानी डाल के एक बार चेक करेंगे कंडीशन कैसा है, गैस भी तो नहीं गया है। अगर आपका फैन कट ऑफ अगर बराबर टाइम पे ऑन होता है, बराबर टाइम पे कट ऑफ हो रहा है तो समझ लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी हम चेक करेंगे एक बार। गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करते हैं हमारा पानी ऊपर मार तो नहीं रहा है कहीं गाड़ी गर्म होने के कारण। तो हमारा ये गाड़ी स्टार्ट हो चुका है एंड ऐसे तो फिलहाल हमें कुछ प्रॉब्लम लग नहीं रहा है। देखिए पानी हमारा एकदम स्थिर है, ऐसा कुछ बैक नहीं मार रहा है। ठीक है, तो जहाँ तक हमारा चांसेस है इसका गैस्केट वैसकेट कुछ नहीं गया है, सिर्फ इसका एक बार फैन चेक कर लेते हैं कि टाइम पे चालू है, टाइम पे कट ऑफ होता है। अगर वो बराबर है तो समझ लीजिए हमारा इंजन ओके है, बाकी सब चीज़ ओके, खाली इसमें एसी का गैस भरना बाकी है। तो हम इतना चेक करके और उसके बाद इसका एसी का गैस भरेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा गाड़ी गर्म हो रहा है कि नहीं। हमने इस गाड़ी को चालू रखा है और रेस करके इसको इंजन को गर्म करते हैं और फैन चेक करते हैं कि फ़ैन ऑटोमेटिक कट ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इसका फ़ैन ऑटोमेटिक कट ऑफ होएगा ऑन होने के बाद, समझ लीजिए आपका इंजन ओके है, आपका गाड़ी गर्म वरम नहीं हो रहा है। तो रेस कीजिए अंसारी जी। तो देखिए इसका फ़ैन है, अब रेस करके गर्म करके चेक करेंगे फैन चल रहा है कि नहीं। पकड़ के रखिए, तो देख सकते हैं ये हमारा फैन चालू हो चुका है, अभी ऑटोमेटिक कट ऑफ होना चाहिए। अगर आपका फैन समझ लीजिए फैन चालू हुआ और कंटिन्यू फैन चल रहा है, ऑटोमेटिक कट ऑफ नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए आपके इंजन में प्रॉब्लम है, आपका गाड़ी गर्म हो रहा है, आपका रेडिएटर चौकअप हो सकता है, हेड गैसकेट गया हुआ हो सकता है, थर्मोस्टेट वाल्व का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, ये देखिए हमारा ऑटोमेटिक फैन बंद भी हो रहा है, ये देखिए देखिए ये हमारा ऑटोमेटिक फैन बंद हो गया। फिर से एक बार रेस कीजिए, रेस पकड़ के रखिए, फिर से एक बार चाहिए तो आपको चेक करके दिखाते हैं। देखिए फिर से एक बार, फिर से हमारा फैन ऑन हो चुका है, फिर से ऑटोमेटिक कट ऑफ होना चाहिए। ये क्या होता है फ्रेंड, जैसे ही आपका इंजन गर्म होता है तो फैन आपका चालू हो जाता है और वो फैन के हवे से जैसे इंजन को ठंडा करता है आपका ऑटोमेटिक फैन कट ऑफ हो जाता है। आपका जैसे इंजन ठंडा होएगा आपका फ़ैन भी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो देखिए जैसे ये इंजन को ठंडा करेगा, देखिए अभी बंद होएगा। तो फ्रेंड कभी भी आप रेडिएटर ओपन करेंगे तो फ़ैन को चेक कर लीजिएगा ऑटोमेटिक कट ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए ऑटोमेटिक कट ऑफ हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा इंजन भी ओके है, बंद कर दीजिए गाड़ी। भरते हैं एसी का गैस भर के और एक बार हम यहाँ से चेक कर लेंगे कि हमने देखिए एसी का पाइप कंडेंसर का हमने इसको ओपन किया था, तो हमने बम्पर इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि एसी का गैस भर के फिर हम यहाँ
चेक कर देंगे कि हमारा गैस वैस लीकेज नहीं है, गैस वैस लीकेज नहीं रहेगा, कंफर्म रहेगा, तो हम इसका मफलर लगा के गाड़ी को फाइनल कर देंगे, ठीक है। ये हमारा नया बम्पर है, हमने इसको पेंट करके देखे, इसका फॉकलाइट वॉकलाइट जो भी कवर आता है सब ओपन किया था, अब हम उसके फिटिंग करना चालू किए हैं, ठीक है। ये हमारा बम्पर भी पेंट हो चुका है, यहाँ हमारा जूना वाला बम्पर पड़ा है, देखिए टूटा हुआ, ये जो टूटा हुआ बम्पर था तो हमने इसमें बम्पर भी रिप्लेस कर दिया है, हमारा बम्पर भी पेंटिंग हो चुका है। तो इसमें जितने भी पार्ट्स आते हैं ये देखिए, फॉकलाइट का कवर है, एक ग्रिल है, वो ग्रिल है, ये सब हम अभी फिटिंग करना चालू की है, देखिए हमारा फॉकलाइट फिट हो रहा है। तो ये हमारी इंग्लिश गाड़ी का आगे का पूरा काम हो चुका है, सिर्फ इसका बम्पर लगाना बाकी है, तो इसका बम्पर हम फिटिंग कर रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। इसके बम्पर में जो भी हमने ओपन किया था वो सारी चीज़ें फिटिंग हो चुकी है, अब बम्पर को लगा रहे हैं हम, बम्पर को लगा कर फाइनल फिर चेक करेंगे एक बार गाड़ी स्टार्ट टू स्टार्ट करके। हमने इसमें जो भी पार्ट ओपन किया था सब फिट कर चुकी है, हमने देखिए बम्पर का जो ग्रिल है, बम्पर है हमारा, हेडलाइट है, ये वाला हेडलाइट हमने राइट साइड का रिप्लेस किया है, लेफ्ट साइड का हेडलाइट हमने रिप्लेस किया है, ये देख सकते हैं, ये वाला जो क्रोम पट्टी है ये भी हमने रिप्लेस किया है, ठीक है। तो अभी हमें इसमें सिर्फ नंबर प्लेट लगाना बाकी है, वो भी हम लगा देते हैं, पहले इसका नंबर प्लेट भी टूट चुका था, तो हमने इसका नया नंबर प्लेट रिप्लेस किया है, देख सकते हैं नंबर प्लेट भी फिट हो चुका है, देखिए हमने नंबर प्लेट इसका रिप्लेस किया, इसके लिए हमने इसका बोल्ट भी रिप्लेस कर दिया ताकि अच्छा लगे, देखिए जूना वाला बोल्ट है ये अच्छा नहीं लगेगा, ये बोल्ट देखिए इस पर कितना शो कर रहा है, इसलिए हमने ये भी रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारा गाड़ी पूरी तरह से ओके हो चुका है। इसका जूना जो पार्ट है देखिए, ये आगे का फ्रंट बम्पर है, ये हमारा लेफ्ट साइड का हेडलाइट है, ये बम्पर का देखिए क्रोम पट्टी है जो ग्रिल में आता है, देखिए हमारा यहाँ से टूट चुका था तो हमने इसको भी रिप्लेस किया है, एक क्रोम पट्टी को, और ये हमारा कंडेंसर है, ये हमारे रेडिएटर है, ठीक है फ्रेंड। तो हमने इस गाड़ी में ये सारे चीज़ें जितने भी पार्ट आते हैं हमने इसमें रिप्लेस किया है, क्योंकि हमारा गाड़ी एक्सीडेंट था वो हमने आपको दिखाया था पहले वीडियो में, तो ये सब सारे चीज़ें हमने इसमें रिप्लेस करके इस गाड़ी को ओके कर दिया है, अब गाड़ी को सिर्फ बॉडी वॉश करना है, बॉडी वॉश करके हम कस्टमर को डिलीवरी दे देंगे। तो ये आज का हमारा वीडियो था, अगर आपको एक गाड़ी का इंग्लिश का वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।